महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति 3.0 के तहत जिला महिला चिकित्सालय में बुधवार को कन्या जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कन्या जन्म उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर नीना त्रिपाठी द्वारा 24 से 48 घंटे के बीच जन्म लेने वाली कन्याओं की माताओं के साथ केक काटकर तथा एक दूसरे को खिलाकर मनाया गया। इस दौरान जिला अस्पताल की ओर से नवजात कन्याओं की माताओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर नीना त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत कन्या जन्म उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 24 से 48 घंटों में जन्म लेने वाली बेटियों की माताओं को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि बेटा बेटी में किसी तरह का अंतर नहीं होता है, माँ बाप दोनों को एक बराबर पालन पोषण करें। इस मौके पर जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे, डॉक्टर दिशा चौधरी, महिला कल्याण अधिकारी तुहिना दास गुप्ता, जिला समन्वय महिला शक्ति केंद्र संगीता सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी सुनीता चौहान सहित जिला महिला चिकित्सालय की कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर नीना त्रिपाठी ने कहा, जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में मिशन शक्ति 3 का कार्यक्रम हुआ। इसमें हम लोग सामूहिक रूप से लड़कियों का जो 24 से 48 घंटे जो हमारे जन्म लिए उनका हम लोग ने एक सामूहिक जन्म दिवस मनाया। इसमें हमने माताओं को ये संदेश दिया कि लड़कियों का भी उतना ही मान सम्मान करें जितना समाज में एक लड़के के जन्म पर होता है, क्योंकि यही लड़कियां अगर हम इन्हें अच्छे से पौष्टिक आहार देंगे, पढ़ाई लिखाएंगे, यही लड़कियां आगे बहुत अच्छा करेंगी। और हम लोग देख ही रहे हैं हर क्षेत्र में लड़कियां कर रही हैं, आगे जा रही हैं, लड़कों से किसी भी क्षेत्र में लड़कियाँ कम नहीं हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है हमारे सरकार की तरफ से लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ऐसी माताएं आती हैं जो कहती हैं हमारी दो बच्चियां हो गई, अब हमें बच्ची नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। ये तो चिकित्सक के हाथ में होता नहीं है। मैंने इस विषय में भी इन्हें समझाया कि ऐसी विचारधारा आप मन में ना रखें, बेटा बेटी दोनों ही समान है। लिंग, गर्भस्थ शिशु का लिंग जानना एक बहुत बड़ा अपराध है, ये हमें नहीं करना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगी क्योंकि मुझसे बड़ी मेरी दो बहनें हैं, अगर मेरे माता पिता ना चाहते तो मेरा भी आज शायद जन्म ना होता, लेकिन मेरे माता पिता ने ऐसा नहीं किया, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो कभी ये विचार ना करें कि मेरे दो बेटियां हो गई, तीन बेटियां हो गई। आपको हर बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, हर बेटी को पढ़ाना लिखाना है, यही बेटियां आगे। आप देखिए इंदिरा गांधी, किरण बेदी, अभी मीरा चानू वो सिल्वर मेडल लेके आई, सानिया मिर्ज़ा, पीवी सिंधु, ये सभी हमारे देश के लिए मेडल्स लेके आई। तो ये भी छोटी बच्चियां जो हैं इनका हम लालन पालन अच्छा करेंगे तो अवश्य आगे अच्छी जाएंगी। और सरकार ने लड़कियों के लिए बहुत सी स्कीम्स चलाई हैं, जो
थोड़ा कमजोर वर्ग है उसके लिए सरकार ने बहुत सी स्कीम चलाई है। तो लालन पालन में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए लड़कियों के, ना ये विचारधारा हो कि मेरी बेटी हुई है हम दुखी हो जाएं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसे खान पान लालन पालन अच्छा करना चाहिए।